कि इस देश में डेमोक्रेसी बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लोगों ने उठा रखी है और उनका उन पर कितना बोझ डाला जाएगा। आखिर बहुजन समाज अपना धर्म भी छोड़ चुका है, अपनी जाति भी छोड़ चुका है और वो एक सामाजिक एकजुटता की बात करता है और वो संविधान बचाने की बात करता है। जो कौन लोग हैं जो इस देश में जातिवाद बनाए हुए हैं और जो जाति की मलाई खा रहे हैं और उस पर बात भी नहीं करते हैं। कौन अंग्रेजों को कह रहा था कि हम विदेश से आए हैं, कौन किताब लिख रहा था, उसका धर्म भी देखिए और जाति भी देखिए। जिन्होंने जाति और धर्म के नाम पर राजनीति नहीं की है उन लोगों को अपना आइकॉन बनाइए कि जो आपको धर्म की चाशनी में डुबो रहा है वही आपका शोषक तो नहीं है। और समाज के लिए उनकी जो तकलीफें हैं, इस देश के लिए जो तकलीफें हैं, इस देश को जो मजबूत देश बनाना चाहते हैं उसी कड़ी में सब आयोजन हो रहा है। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया उन लोगों का जो उस तरफ बैठे हैं, उनके लिए एक बार ताली बजा दीजिए मंच के लोग। जो लोग कुर्सियों पर बैठे हैं मेरी गुजारिश है मंच पर बैठे हुए लोगों से कि उनके लिए जो दर्शक दीर्घा में उनके लिए ताली बजा दीजिए। देखिए मैं मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है, मैं काम भी बहुत कम दिनों से कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक खास बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से। ये देश 2000 सालों से जातियों में बटा हुआ देश है। कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं है जहाँ जाति नहीं है, लेकिन उस कम्युनिटी के जो जातिवादी लोग हैं वो इतने शातिर हैं, इतने होशियार हैं कि उन्होंने अपने ही समाज के लोगों को धर्म के आडंबर में घेर रखा है। और कोई ऐसा कम्युनिटी नहीं है, कोई ऐसा समाज नहीं है जिसका ऊपरी वाला तबका जो है वो नीचे वाले तबके का शोषण नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है कि मैंने जो निष्कर्ष निकाला है कि इस दौर में 2000 सालों का भारत में जाति का इतिहास है और पिछले 120 सालों से धर्म के आधार पर दंगे चल रहे हैं। अब आप लोगों को तय करना है कि इस देश की जो सबसे बड़ी बीमारी है वो जातिवाद की बीमारी है या सांप्रदायिकता की बीमारी है। आज के समय में दोनों बीमारी बहुत ज़रूरी है, सांप्रदायिकता भी है और जातिवाद भी है। अब सवाल है कि ये दूर कैसे होगा। मेरा जो आकलन है, मेरा जो अनुमान है, मैं जो समझ पाया हूँ कि इस देश में हर आदमी अपनी जाति और अपने धर्म के हिसाब से जब सोच रहा है तो मैं इस देश के तमाम धर्म और जाति के लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप कुछ मत कीजिए, एक काम जरूर कीजिए, अपने बच्चों को किसी भी कीमत पर पढ़ाइए, अपने लिए संसाधन जुटाइए। और जिस दिन आप पढ़ लिख जाएंगे, संसाधन जुटा लेंगे, आपको जातिवाद और धार्मिक कट्टरता, संप्रदायवाद, ये दोनों समझ में आने लगेगा। आज के समय में मुझे नहीं पता भारत में डेमोक्रेसी क्या होगी, कल रहेगी नहीं रहेगी। दुनिया के बहुत सारे देश हैं जहां डेमोक्रेसी नहीं है, चीन में भी डेमोक्रेसी नहीं है, नॉर्थ कोरिया में भी डेमोक्रेसी नहीं है। भारत में बहुत जिस तरह की लोग अंदेशा जता रहे हैं, लेकिन मैं ये बात जानता हूं कि इस देश में डेमोक्रेसी बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लोगों ने उठा रखी है और उनका उन पर कितना बोझ डाला जाएगा। सामाजिक बदलाव की जिम्मेदारी, डेमोक्रेसी बचाने की जिम्मेदारी बाबा साहब ने संविधान दिया, उनके वंशजों ने बड़ी लड़ाई लड़ी है, तथागत बुद्ध ने लड़ाई लड़ी, उसके बाद फुले, पेरियार, अंबेडकर, रैदास, कबीर साहब ने लड़ाई लड़ी, आज़ादी के बाद जगदेव बाबू ने लड़ाई लड़ी। उन लोगों की पहचान कीजिए जो अपने जाति को लेकर बैठे हुए हैं, और उससे भी ज़्यादा खतरनाक है जो अपने धर्म को लेकर बैठे हुए हैं। आखिर बहुजन समाज अपना धर्म भी छोड़ चुका है, अपनी जाति भी छोड़ चुका है और वो एक सामाजिक एकजुटता की बात करता है और वो संविधान बचाने की बात करता है। उनकी भी पहचान कीजिए, कौन लोग हैं जो धर्म के नाम पर गोलबंद हैं, कौन लोग हैं जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, और उनकी भी पहचान कीजिए जो कौन लोग हैं जो इस देश में जातिवाद बनाए हुए हैं और जो जाति की मलाई खा रहे हैं और उस पर बात भी नहीं करते हैं। आप लोग तय कीजिए, इस देश में सबसे बड़ी समस्या जातिवाद की समस्या है जो 2000 सालों से चली आ रही है। 1920 के आसपास इस देश में धार्मिक संप्रदायिकरण का खेल शुरू हुआ है, वो भी उन्हीं लोगों ने खेल शुरू किया
जो लोग जाति के नाम पर मजे मार रहे थे। मुगलों के दरबार में कौन था दरबारी और कौन था राजा, उसकी जाति पता कीजिए। अंग्रेजों के दरबार में कौन था दरबारी, कौन अंग्रेजों को कह रहा था कि हम विदेश से आए हैं, कौन किताब लिख रहा था, उसका धर्म भी देखिए और जाति भी देखिए। और इस देश का जो 97% चाहे वो किसी समाज का हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, वो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, और उसमें उसके अपने ही समाज, अपनी ही जाति और अपने ही धर्म के लोगों का हाथ है जो उसको समझने नहीं दे रहा है। तो ये समझ में आएगा कैसे? इसका एक ही रास्ता है, फूले पेरियार, अंबेडकर, जगदेव प्रसाद, मान्यवर कांसी राम साहब, इन तमाम महापुरुष जिन्होंने उतनी ही किताबें लिखी, चाहे गुरु गोविंद सिंह हो, जिन्होंने किताबें लिखी हैं, जिन्होंने इस देश में नो रेस नो कास्ट, उन लोगों की पहचान कीजिए, वो कौन लोग हैं जिन्होंने जाति और धर्म के नाम पर राजनीति नहीं की है, उन लोगों को अपना आइकॉन बनाइए। और जब आप इसकी पहचान करेंगे तब आपको लगेगा कि इसकी पहचान बिना पढ़े लिखे नहीं होगा। तो मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि राजनीति बदले न बदले, जाति धर्म की लड़ाई खत्म हो ना हो, पता नहीं लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा, संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा, एक काम हम लोग कर सकते हैं इंडिविजुअल, अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों का पेट काटकर पढ़ाइए, उनके भविष्य के लिए सोचिए, संभव हो तो दुनिया के किसी देश में भेजिए, लेकिन उनको पढ़ाइए और किसी बहकावे में मत आइए, न जाति के बहकावे में आइए, न धर्म के बहकावे में आइए। ये इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने एजुकेशन व्यापार का रास्ता अपनाया है वही जीवन में खुशहाल है और वही पॉलिटिकल पार्टी में सफल हो रहे हैं, वही धार्मिक रूप से भी उनको सम्मान मिल रहा है। तो एक लक्ष्य तय करें, और खासकर बहुजन समाज के लोग ही गरीब हैं, SC ST OBC के लोग गरीब हैं, वो किसी भी कीमत पर, अब एक बात गौर कर लीजिए, इस देश में कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी धर्म हो, SC ST OBC उसमें है, क्रिश्चियन में भी शेड्यूल ट्राइब है, मुसलमान में भी OBC है, मुसलमान में OBC कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए जो सुनना चाहते हैं, SC ST OBC कह रहा हूँ मैं, चाहे वो सिख समाज हो वहाँ भी OBC है, SC है, मुसलमान हो वहाँ भी OBC है, और हिंदू हो वहाँ भी SC ST OBC है। मैं इन लोगों से, खासकर SC ST OBC के लोगों से कहता हूँ कि जाति और धर्म के इस जाल से निकलिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, और जब आप पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आपको धर्म की चाशनी में डुबो रहा है वही आपका शोषक तो नहीं है। और इसको समझने के लिए आपको पढ़ना लिखना पड़ेगा, इसलिए संत गाडगे जी ने कहा है कि पेट काटकर, कम खाकर, किसी भी कीमत पर, और कहीं मत पैसा दो, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, उसी में आपका मुक्ति का मार्ग है। शुक्रिया।